नए साल के काउंटडाउन के लिए तो सब वेट करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट की दुनिया में कंपनी के लिए आईपीओ बन जाता है अल्टीमेट काउंटडाउन। जहां हम मिडनाइट की घंटी का वेट करते हैं, वहां कंपनीज मार्केट के ओपनिंग बेल का। इसलिए आज हम आपको एक नए आईपीओ के बारे में बताने वाले। हम बात कर रहे हैं उस एक आईपीओ की जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे अपकमिंग आईपीओ की, मुंबई बेस्ड फार्मा फर्म इनोवा कैपटैब लिमिटेड की। और इस वीडियो में हम जानेंगे इनोवा कैपटैब के बिजनेस के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, इनोवा कैपटैब के फाइनेंशियल्स और आईपीओ डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इनोवा कैपटैब का आईपीओ 21 दिसंबर थर्सडे से ओपन होगा और 26 दिसंबर ट्यूसडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 570 करोड़ रुपीस के इस आईपीओ में 320 करोड़ का फ्रेश इशू है और 250 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल। इनोवा कैपटैब के आईपीओ से जो फंड्स रेज किए जाएंगे, उनका एम ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है। सबसे पहले कंपनी 144 करोड़ को आउटस्टैंडिंग लोन्स का प्रीपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। फिर 23.6 करोड़ रुपीस अपनी सब्सिडरी यूएमएल यूनिवेंटस मेडिकल लिमिटेड में इन्वेस्ट करेगी, जिससे वो अपने लोन्स को रीपे कर सके। उसके बाद 72 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए एलोकेट किए जाएंगे। फाइनली बचे हुए फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे। अब अगर कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनोवा कैपटैब लिमिटेड का जीएमपी 210 रुपीस है। मतलब कंपनी कुछ 46.88% के प्रीमियम पे अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो रही है। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। इनोवा कैपटैब 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2010 से फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशंस मैन्युफैक्चर कर रही है। इस कंपनी के तीन मेन सेगमेंट्स हैं, CDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनेरिक सेगमेंट और इंटरनेशनल ब्रांडेड जेनेरिक सेगमेंट। चल एक एक करके इन सेगमेंट्स को समझते हैं। अगर ये कैटेगरीज बिल्कुल सर के ऊपर से गई हूँ, डू नॉट वरी, मैं आगे समझाऊंगी। पहले समझते हैं कि CDMO क्या होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में CDMO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक की पूरी सर्विसेज देती है। ये सर्विसेज उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए जरूरी हैं जो इन एस्पेक्ट्स को आउटसोर्स करना चाहते हैं, ताकि वो अपने कोर कॉम्पिटेंसीज जैसे कि रिसर्च एंड मार्केटिंग पे ध्यान दे सकें। इनोवा कैपटैब CDMO इंडस्ट्री में एक की प्लेयर है, क्योंकि उनके R&D ऑपरेशंस और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बद्दी हिमाचल प्रदेश में बहुत ही एडवांस्ड हैं और उनका इन हाउस रिसर्च करने का डेडिकेशन उन्हें बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स दिलाने में मदद करता है। इनोवा कैपटैब का CDMO बिजनेस इंडियन फार्मुलेशन CDMO प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा रैंक करता है। उन्हें फाइनेंशियल ईयर 22 में मल्टीपल रैंक्स मिली थी, जैसे थर्ड हाईएस्ट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, सेकेंड हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, थर्ड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन और सेकंड हाईएस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो मुझे क्लास टॉपर वाइब्स दे रहा है। इनोवा कैपटैब के CDMO सेगमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 23 तक काफी एक्सपेंशन किया है, जिसमें उन्होंने 182 कस्टमर्स को सर्व किया। वो 600 से ज्यादा जेनेरिक प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, पेन मैनेजमेंट से लेकर कार्डियोवैस्कुलर ट्रीटमेंट्स तक। उनके कुछ की कस्टमर्स में सिप्ला लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड शामिल है। डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनेरिक्स क्या होते हैं? सिंपल टर्म्स में ये बेसिकली ब्रांडेड मेडिसिन के कॉपीज हैं जिनके पेटेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं। ये जेनेरिक्स अलग अलग ब्रांड नेम्स के अंडर उन कंपनीज द्वारा मार्केट की जाती हैं जो इन्हें मैन्युफैक्चर करती हैं। ये प्रोडक्ट्स इंडिया में अफोर्डेबल हेल्थ केयर की बैकबोन है, जो इनोवा कैपटैब द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स के थ्रू ऑफर किए जाते हैं। इनोवा कैपटैब अपने ब्रांडेड जेनेरिक्स के लिए एक वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करती है। इसमें लगभग 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट इंक्लूडेड है। साथ ही इंडिया भर में 1,50,000 से ज्यादा रिटेल फार्मेसीज में इनका प्रेजेंस है। कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ड्राई सिरप्स, इंजेक्शंस, ऑइंटमेंट्स और लिक्विड ओरल शामिल हैं, जो डाइवर्स हेल्थ केयर नीड्स को कॉम्प्रिहेंसिव केयर के साथ केटर करते हैं। अब इंटरनेशनल ब्रांडेड जेनेरिक्स की बात करते हैं। ये डोमेस्टिक जेनेरिक्स की तरह होते हैं, जहां जेनेरिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चरर के ब्रांड नेम के अंडर इंटरनेशनल मार्केट्स में मार्केट किया जाता है। इनोवा कैपटैब के इंटरनेशनल ब्रांडेड जेनेरिक्स दुनिया भर में इमर्जिंग और सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स में पहुंच गए हैं। अब वो रेगुलेटेड मार्केट्स जैसे यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। अब तक उन्होंने 17 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है। कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए 200 प्रोडक्ट सक्सेसफुली रजिस्टर किए हैं। वो 126 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। इनोवा की R&D टीम इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए ड्रग डेवलपमेंट पे कोलैबोरेट कर रही है, खास तौर पे कनाडा और यूके में। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कंपनी यूरोप में काफी प्रोग्रेस कर रही है, 6 नए प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस डेवलप करके और 2 प्रोडक्ट्स के सबमिशन बैचेस यूरोपियन मेडिसिंस एजेंसी EMA को कंप्लीट करके, जो उनके इस की मार्केट पे स्ट्रेटेजिक फोकस को दिखाता है। अब आप शायद कंपनी के बिजनेस को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। इनोवा कैप्टैब इंडियन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस मार्केट में फास्टेस्ट ग्रोइंग CDMOs में से एक है। इंडियन CDMO मार्केट तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, जिसका ग्रोथ रेट 14% CAGR है 2018 से 2023 तक। इस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आने वाले सालों में भी कंटिन्यू रह सकती है। इनोवा कैप्टैब इस ग्रोथ का एडवांटेज ले रही है अपनी स्ट्रॉन्ग R&D और डाइवर्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के थ्रू। वो वाइड रेंज ऑफ थेराप्यूटिक एरियाज को कैटर करते हैं एक एवर एक्सपैंडिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ। 2021 से 2023 तक उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 131.43% से ग्रो हुआ है, जो उनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के बदलते हुए डिमांड्स पूरा करने का कमिटमेंट दिखाता है। वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी के लिए उनकी कॉस्ट और मार्जिन सबसे बड़ी वीकनेस है। कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल इनकम का अप्रॉक्सिमेटली 74.5% था और फाइनेंशियल ईयर 22 में 73% था, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अनपेटेंटेड फॉर्मुलेशन सेगमेंट में हाई कॉम्पिटिशन की वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट हुए हैं। चलिए अब कंपनी को उसके पियर्स के साथ कंपेयर करते हैं। इस इंडस्ट्री में टॉप 5 इंडियन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कंपनीज हैं टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, लॉरस लैब्स लिमिटेड, अजंता फार्मा लिमिटेड, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एंड इनोवा कैप्टैब। अगर हम इस टेबल में इनोवा कैप्टैब की वैल्यूएशन देखें तो वो अपने पियर्स से काफी कम है, और अगर हम डेट टू इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें इनोवा कैप्टैब की, तो दोनों ही दूसरे कंपनी से ज्यादा है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। ये टेबल जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं हमेशा की तरह। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में भी राइज है, हालांकि फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में कम है। ये फिगर 410.6 से बढ़ के 800.5 पे आ गया। उसके बाद 926.4 करोड़ पे फाइनेंशियल ईयर 23 में रिपोर्ट हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये 34.5 से बढ़ के 64 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ एंड देन फाइनली 68 करोड़ पे फाइनेंशियल ईयर 23 में ये रिकॉर्ड हुआ है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की तो एबिटा मार्जिन है 13.26%, पैट मार्जिन है 7.34%, कंपनी का पीई है 31.64 पे, जबकि इंडस्ट्री का पीई 32.17 पे है। बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। नेट डेट टू इक्विटी है 0.85 पे, जो कि काफी रीजनेबल है। कंपनी का ROE 24.6% पे है, ROCE 22.61% पे, 2 ईयर सेल्स CAGR है 50.21% पे और 2 ईयर पैट CAGR है 40.39% पे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट IPO डिटेल्स की। कंपनी का IPO ओपन हो चुका है 21 दिसंबर 2023 को और इसकी क्लोजिंग डेट है 26 दिसंबर 2023। ये लिस्ट हो रहा है 29 दिसंबर 2023 को। इसका प्राइस बैंड है 426 से 448 रुपीज का पर शेयर और इसका लॉट साइज है 33 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 570 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 320 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 250 करोड़ रुपीस का। ये थी इनोवा कैप्टैब के बिजनेस और उसके IPO की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कंपनी के बारे में और समझने के लिए आप RHP में कंपनी के CDMO बिजनेस में लीडिंग प्रेजेंस के बारे में पढ़ सकते हैं और साथ ही क्रिसिल की इंडस्ट्री रिपोर्ट भी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या आप इन IPOs के लिए अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अप्लाई टाइप करके बताएं। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बायस एंड रिकमेंडेशन नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.